आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताऊंगा। सिंह का ना अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लगी किसके लगी, नाम रट राम के लगी कृष्ण के लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है, एक शब्द क्लीन शब्द कह आधा लय में मिला हुआ बड़ी एक ही मात्रा और बीज उसका गाय की ध्वनि निकले बीच। आप अंग बोल अभी मन ही मन बोल के देखो अंग बहुत यहां स्ट्रोक लगता है, तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए क्रय नहीं क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा बिना कृष्ण राधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है, राधा का तो है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण वो जय गुरुदेव। पहले मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव विनोद पुरोहित गुरु भाई। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है पूर्व जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। 3 दिसंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में अध्यात्मवादी है तो उसका सीधा संपर्क अपने ही शरीर स्थित आत्मा और परमात्मा तत्व से है। यह तत्व ही संसार के सर्वभूतों के कारण है, अतः भूत भविष्य का सभी सच्चा ज्ञान संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अध्याय 15 श्लोक 7 एवं 8 में, इस देह में यह जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा का साक्षात्कार होने का अर्थ है परमात्मा का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति हो गई। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही सनातन अंश है, अतः वह अमर है। उसने जितने भी शरीरों में वास किया है और आगे जितने शरीरों में वास करता हुआ संसार क्रम को निरंतर गतिशील रखेगा, उसका ज्ञान संभव है। भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ईश्वर तत्व को जानने वाला ही भूत और भविष्य को जान सकता है। इस युग के सभी धर्माचार्यों ने युग के गुणधर्म के कारण अध्यात्म को केवल व्यवसाय के रूप में अपना रखा है। धार्मिक ग्रंथ कुछ बोलते हैं
और वे अपनी चालाकी और तर्क बुद्धि के बल से लोगों को कुछ और ही समझा रहे हैं, क्योंकि इस समय का तथाकथित ज्ञान मनुष्य को कुछ परिणाम नहीं देता है। अतः संसार के लोगों का विश्वास धर्म गुरुओं से उठता जा रहा है, क्योंकि धर्म गुरुओं ने इसे पेट से जोड़ लिया है, अतः इसे चलाते रहना ही उनकी मजबूरी है। इस प्रकार की हठधर्मी वृत्तियों के कारण धर्म के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए। भौतिक विज्ञान की उन्नति ने अध्यात्म गुरुओं की स्थिति और खराब कर दी, इसलिए अध्यात्म और भौतिक के रूप में एक ही तत्व विभाजित हो गया। दोनों दलों में भयंकर टकराव और दुर्भाव निरंतर बढ़ता ही गया, क्योंकि भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है और सत्य सत्य को आकर्षित करता है। इसलिए संसार के लोगों ने अध्यात्म को छोड़ भौतिक विज्ञान के सहारे सुख शांति की खोज प्रारंभ कर दी। मनुष्य शरीर की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भौतिक विज्ञान ने उपलब्ध करा दी, परंतु संसार के मानव को सुख और शांति फिर भी नहीं मिल सकी। जो जो विज्ञान उन्नति करता गया, अशांति बढ़ती ही गई। आज जो वस्तु स्थिति संसार की है, उसने विज्ञानवेत्ताओं को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज वैज्ञानिक दबी जुबान से यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के उसके भौतिक साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। यह एक शुभ संकेत है। सच्चाई पसंद और सच्चाई परख लोग ही इस दिशा में तरक्की करके संसार को कुछ दे सकेंगे। बाकी जिन आध्यात्मिक गुरुओं से संसार के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे लोग निराश हो चुके हैं। तोथा उपदेश, कर्मकांड प्रदर्शन, स्वांग, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से लोग पूर्ण रूप से निरुत्साहित हो चुके हैं। इसके विपरीत जिन जिन देशों ने वैज्ञानिक उन्नति की है, वहां अशांति व हिंसा के तांडव नृत्य ने लोगों को भयभीत कर दिया है। अतः उनको भी इस पथ के अलावा शांति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता खोजना पड़ रहा है। अमेरिका में प्रवचन देते हुए श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विभिन्न मत मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। आज हमारे धर्म से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात पूर्ण रूप से विदा हो चुकी है। यही धर्म का प्राण था। अतः इसके अभाव में प्राणहीन धर्म मानव को कोई लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। कोई भी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। यह क्रम अनादिकाल से चलता आया है। अतः निराशा का कोई कारण नहीं। अंधेरे और प्रकाश का संघर्ष हमारे अंदर अनादिकाल से चला आ रहा है। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि प्रकाश हो, परंतु फिर भी रात और दिन का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें खुले दिल से हमारी कमजोरी को स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करने चाहिए। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान तत्काल परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार उसका जनक अध्यात्म विज्ञान भी परिणाम देता है। इस जगत के सभी सौदे नकद के हैं, यहां उधार का काम ही नहीं। परिणाम के अभाव में ही लोग इससे विमुख हुए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। आज तक का सारा प्रकट संसार उसी परम सत्ता की देन है। पिता पुत्र में द्वेष कैसा, इस कृत्रिम द्वेष भाव ने ही संसार को आज की अशांत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बारे में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए हर कार्य आवश्यक है। अर्थात जीवन का हर कार्य कमोवेश अध्यात्म से ओतप्रोत है। वैदिक काल के बाद मनुष्य निरंतर उस परम सत्ता से अलग हटता गया। आज का मानव उस क्रमिक अलगाव की प्रक्रिया के कारण उस परम सत्ता से सर्वाधिक दूरी पर आकर खड़ा हो गया है।
कृत्रिम पतन के साथ हम लोगों ने इहलोक के स्थान पर केवल परलोक की तरफ ताकना प्रारंभ कर दिया। समाज के आधे अंग स्त्रियों को पंगु बनाकर रख दिया। उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ बातों पर प्रतिबंध लगा दिया। जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है। स्त्री जाति का माँ का स्वरूप, बहन का स्वरूप, दादी का स्वरूप आदि सभी स्वरूप भूलकर उसको केवल भोग की वस्तु ही माना जा रहा है। संसार के मानव ने जगत जननी की ऐसी दुर्गति कर दी कि उसे रसातल में पहुंचा दिया है। हमारे प्राय सभी धर्मगुरुओं ने कंचन और कामनी का जो स्वरूप बना डाला है वही दुखों का कारण है। इसके अतिरिक्त आराधनाओं का ऐसा स्वरूप बनाकर रख दिया कि जिसे स्त्रियां अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण करने में असमर्थ हैं। जब तक धर्म का असली स्वरूप प्रकट नहीं हो जाता, इस क्षेत्र में प्रगति और शांति असंभव है। श्री अरविंद ने मृणालिनी देवी को पत्र लिखा था, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात्कार प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। एक माह के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। महर्षि अरविंद के अनुसार उस पथ पर चलकर हर प्राणी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस पथ पर चलने के अधिकारी स्त्री पुरुष दोनों बराबर के हकदार हैं। मेरी प्रत्यक्ष अनुभूतियों के अनुसार भी एकमात्र यही रास्ता है जिस पर चलने से ही उस परम धाम तक की यात्रा संभव है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। वेद स्पष्ट कहता है कि जिस ज्ञान को अर्थात आनंद को तामसिक वृत्तियों ने कैद कर रखा है, उसकी मुक्ति केवल प्रकाशप्रद शब्द से ही संभव है। वेद बारंबार उस प्रकाशप्रद शब्द से जो दिव्य प्रकाश निकलता है उससे मिलने वाले दिव्य आनंद की प्रार्थना करता है। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने वेद रहस्य में लिखा है, वैदिक दृष्टाओं ने प्रेम पर ऊर्ध्व से अर्थात इसके स्रोत और मूल स्थान से दृष्टिपात किया और उन्होंने अपनी मानवता में उसे दिव्य आनंद के प्रवाह के रूप में देखा और ग्रहण किया। मित्र देव के इस आध्यात्मिक वैश्व आनंद को वैदांतिक आनंद अर्थात वैदिक मयस की व्याख्या करते हुए तैतरीय उपनिषद इसके विषय में कहता है कि प्रेम इसके शीर्ष स्थान पर है, परंतु प्रेम के लिए वह जिस शब्द प्रियम को पसंद करती है उसका ठीक अर्थ है आत्मा के आंतरिक सुख और संतोष के विषयों की आनंददायकता। वैदिक गायकों ने इसी मनोवैज्ञानिक तत्व का उपयोग किया है। उन्होंने मयस और प्रेयस का जोड़ा बनाया है। मयस है सब विषयों से स्वतंत्र आंतरिक आनंद तत्व और प्रेयस है पदार्थ और प्राणियों में आत्मा को मिलने वाले हर्ष और सुख के रूप में उस आनंद का बही प्रवाह। वैदिक सुख है यही दिव्य आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धि का और सब पदार्थों में निष्कलंक सुख के अनुभव का वरदान लाता है। आज संसार से वह प्रकाशप्रद शब्द जिसके दिव्य प्रकाश से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है कहाँ चला गया? जब तक हम संसार में इसकी भौतिक रूप से प्रत्यक्षानुभूति नहीं करवा देते, काम चल ही नहीं सकता है। इस दिव्य आनंद और शब्द के बारे में भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है। शब्द से सृष्टि की रचना के संबंध में भगवान ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे
यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार की उत्पत्ति उसी प्रकाशप्रद शब्द अर्थात ईश्वर से हुई है। उस शब्द से जो दिव्य आनंद आता है, उस संबंध में भगवान ने गीता के पांचवें अध्याय के 21वें श्लोक तथा छठे अध्याय के 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में कहा है, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ, यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। आज वह आनंद कहां चला गया? गीता के उपदेशक और व्याख्याता त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, स्वर्ग नरक आदि का उपदेश दे रहे हैं, इस मूल तत्व की अनुभूति क्यों नहीं करवा रहे हैं? गीता के उपदेश को अर्जुन से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। उसने उपदेश सुनने के बाद जो कुछ किया, गीता हमें वही दर्शाती है। अर्जुन ने कौन सा दान पुण्य, त्याग, तपस्या गीता का उपदेश सुनने के बाद किया? वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य सात तत्वों से संगठित है, जिसके कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। अन्न से लेकर विज्ञान तक चार तत्व भौतिक सत्ता से संबंधित हैं और आनंद से सत तक तीनों उस परम सत्ता अर्थात सच्चित आनंद सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से संबंधित हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है, यानी अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक माया का क्षेत्र है। इसके ऊपर के तीन लोक सत्य लोक, अलख लोक और अगम लोक उस परम सत्ता के लोक हैं। आज्ञा चक्र को भेदकर ऊपर उठते ही जीवात्मा माया के क्षेत्र से निकलकर आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही गीता और वेद में वर्णित अक्षय आंतरिक दिव्य आनंद की अनुभूति मनुष्य को होने लगती है। मेरे संत सद्गुरुदेव ने उस आनंद को धरा पर अवतरित कर दिया है। उन्हीं की कृपा से मैं उसकी प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति कर रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे जुड़ने वाले लोगों को भी इसकी प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं, जो कि भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इस संबंध में ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबिल भी वही कहता है जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। संसार की उत्पत्ति के बारे में बाइबिल के संत जॉन 1:1-4 में कहा है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वेद और गीता में वर्णित अक्षय दिव्य आंतरिक आनंद के बारे में बाइबल में भजन संहिता 23वें सर्ग 5 में कहा है,
यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं, उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। आज संसार से वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रकाश कहाँ चला गया? सभी धर्म जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव क्यों हो गया है? संसार यथास्थिति चल रहा है। चारों कोष तो उपलब्ध हैं, परंतु तीन कोष अर्थात सत चित आनंद गुम हो चुके हैं। जब तक उनकी उपलब्धि आम मानव के लिए सुलभ नहीं हो जाती, विद्या पर अविद्या का अधिकार रहेगा। भौतिक विज्ञान तामसिक वृत्तियों के अधीन रहकर उनके आदेश का पालन करेगा। जिस दिन भौतिक विज्ञान अपने जनक अध्यात्म विज्ञान के आदेश पर चलने लगेगा, महर्षि अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। हमारे सभी संतों ने हरि नाम की महिमा गाई है। भगवान ने भी गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में जप यज्ञ अर्थात नाम जप को सर्वोत्तम यज्ञ बताते हुए अपनी विभूति बताया है। बंगाल में जन्मे महान आत्मा चैतन्य महाप्रभु, प्रभु जगबंधु रामकृष्ण परमहंस तथा संत सदगुरु नानक देव जी तथा संत कबीर आदि सभी संतों ने हरि नाम को ही मोक्ष का साधन बताया है। संत सदगुरुदेव नानक देव जी ने नाम की महिमा गाते हुए कहा है, भांग दतूरा नानका उतर जाए परभार, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर ने एक कदम और आगे बढ़कर हरि नाम की महिमा गाते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। जिस मयस अर्थात दिव्य आनंद की बात वेद करता है, जिसका गुणगान बाइबल में है, जिस अक्षय आनंद की बात भगवान ने गीता में की है, जिस नाम खुमारी और नाम अमल की बात सभी संतों ने की है, उसको प्राप्त करना ही आध्यात्मिक आराधना का उद्देश्य है। इसके अलावा सब आराधनाएं त्रिगुणमयी माया के प्रभाव क्षेत्र की हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला, अनुभूति अनुभूति की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता है। स्वामी जी ने यह बात अनायास ही नहीं कही है। वे भविष्य दृष्टा थे, उन्हें बहुत अच्छी प्रकार ज्ञान था कि भारत आगे चलकर संसार में इन तथ्यों को सत्यापित करेगा। संतों की वाणी निरर्थक नहीं होती है। युग के गुणधर्म के कारण तामसिक वृत्तियों की प्रधानता होने से उस समय लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। महर्षि अरविंद ने इस संबंध में जो घोषणा की है, वह पहले के संतों की बातों को प्रमाणित करती है। महर्षि अरविंद ने उस परम तत्व को धरा पर अवतरित कराने के लिए अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे डाली। वे अपने जीवन में ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए थे। उस परम तत्व के धरा पर अवतरित होने के बारे में उन्होंने घोषणा की है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके
विकास के मार्ग का समर्थन और संचालन करते हैं। उपर्युक्त भविष्यवाणी नहीं है, एक सच्चाई के अवतरित होने की घोषणा है। श्री अरविंद के अनुसार वह परम सत्ता अपने क्रमिक विकास के साथ सारे संसार को आकर्षित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह सत्ता 1982 के प्रारंभ से प्रकट होना प्रारंभ कर देगी। 1992 तक वह भारत में काफी फैल जाएगी और आगे के 3 वर्षों में पूरे संसार में फैल जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इसमें उपदेश या ग्रंथ अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। मुझे जो कुछ भी मिला उसमें उपदेश या ग्रंथ का 1% भी सहयोग नहीं रहा है। संत सद्गुरुदेव निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप होते हैं। उनकी कृपा के बिना इस जगत अर्थात अध्यात्म जगत में प्रवेश असंभव है। मुझे सन 1967 से 1982 तक विभिन्न प्रकार की आराधनाएं मजबूरी में फंसकर करनी पड़ी। आज तक जितनी आराधनाएं मैंने की और जो अब कर रहा हूं वह सब परिस्थितियों वश करनी पड़ रही है। प्रत्येक का नया परिणाम मिल रहा है। ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण पग पग पर दिशा निर्देश और पथ प्रदर्शन मिल रहा है। मैं एक साधारण गृहस्थी प्राणी हूं। मेरे जैसे नाचीज के माध्यम से यह सब होना अपने आप में एक आश्चर्य और विचित्र बात है। मैं भी रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित प्राणी हूं। आज भी वह वृत्ति मुझे रह रहकर अपनी तरफ आकर्षित करती है, परंतु मैं अनुभव कर रहा हूं कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे एक कदम भी उस वृत्ति की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। अतः मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है उसमें मेरी बुद्धि से किया हुआ कुछ भी प्रयास नहीं है। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह मेरे असंख्य गुरुओं की आराधना का फल है। मुझे मेरे परम दयालु संत सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण यह सब अनायास ही प्राप्त हो गया। मैं तो मात्र गुरु कृपा का प्रसाद बांटने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं। मैं अच्छे प्रकार जानता हूं कि मैं करता नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी प्रकार की निराशा भी नहीं होती। घाटे नफे का अधिकारी तो वही जगत सेठ है, मैं तो मात्र अपनी मजदूरी का ही अधिकारी हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव कृपा चलने वाली सामूहिक ध्यान गुरु चर्चा और गुरुदेव की तब है हम मुक्ति के प्रयास से अधिक हम लोग मंत्र जाप करें, तभी हमारा भीतर की यात्रा उस अगम लोक तक की यात्रा हम लोग कर पाएंगे। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है। हैंड्रेस किसी ने किया है, पंकज जी गुरु भाई ने हैंड्रेस किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। आज प्रचार कार्य में एक गुरुदेव का बड़ा चमत्कार हुआ, साझा करना चाह रहा था। हम लोग लोकल टीवी और होल्डिंग के लिए अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, फिर एक व्यक्ति से बात हुई, उसने आज हमें बुलाया था और बड़ा उसका वेलकमिंग टोन के साथ उसने हमें अटेंड किया। और जो होल्डिंग की कॉस्ट 8-10 हज़ार रुपये एक महीने की रहती है उनकी, वो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया उसने। ऐसे 4-5 होल्डिंग देने के लिए बोला है और साथ ही साथ उसका लोकल टीवी पे ऐड चलते हैं। यहाँ पे उसके 6 चैनल लोकल चैनल चलते हैं, शहर के लोकल, जिले के, पूरे जिले में चलते हैं। उनमें उसने गुरुदेव का सीडी चलाने के लिए बोला है और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी, जो हर 1 घंटे बाद एक एडवर्टाइजमेंट आएगा,
सूरतगढ़ में कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए, तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि पहली मीटिंग में ही उसने इतना सब छप्पर फाड़ के दे दिया हमें और इतने मतलब बिल्कुल होर्डिंग के तो उसने पैसे ही नहीं लिए, एड के बड़े ही मिनिमल प्राइसिंग पे दिया है उसने, मतलब 1/10 प्राइस पे हमें उसने ऑफर किया है, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा एक खर्चा लगेगा, ये मेरी मतलब वही ले रहा हूँ आपसे। तो बड़ा गुरुदेव का, मेरे जो सात गुरु भाई गए थे वो बड़े यंगस्टर हैं हमारे, उन्होंने कहा बड़ा चमत्कार हुआ है, तो मैंने कहा गुरुदेव खुद का प्रचार खुद ही करते हैं ये हमें गलत फहमी है कि हम आगे बोल के प्रचार करने जाते हैं तो ये बड़ा एक मोटिवेशनल इंस्टेंस हुआ भाई साहब आज हमारे साथ, आनंद आ गया जी। मैं बताना चाहूंगा कि सूरतगढ़ में 5 मार्च को गुरुदेव का एक विशाल प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जो लोग भी यदि कोई प्रचार में कार्य में अपनी सहयोग देना चाहे वो आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे प्रचार कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई ने अनुभूति शेयर की, वास्तविक अनुभूति। हम लोग तो हेजिटेशन करते हैं, लेकिन गुरुदेव जो अपना काम करवाना चाहते हैं, प्रचार कराना चाहते हैं, परम सत्य है, परमात्मा है, ठीक है। तो गुरुदेव का नाम लेने के बाद ही ऑटोमेटिक जिसके भीतर में सात्विकता जगी रहती है या का उस तरह से प्रारब्ध रहता है, हम लोग ऊपर से देख कर नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जैसे ही गुरुदेव का बात करते हैं तो ऑटोमेटिक वो भीतर की शक्ति खींचती है और सब काम सहज से हो जाते हैं, जिसके जिसके भीतर में सात्विकता जागृत रहती है। जय गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई हैं, गुरु बहन बातें अगर रखना चाहे तो स्वागत है, काइंडली हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई बहुत दिन से नहीं बोले हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। क्रांति जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। अभी आज गुरुदेव की लेखनी में आया है कि आध्यात्मिक शोध भी होनी चाहिए, उसका क्या मतलब निकलेगा? फिर से रिपीट कीजिए। आध्यात्मिक गुरुदेव की जो लेखनी थी ना आज, उसमें आया था जैसे भौतिक शोध होते हैं वैसे आध्यात्मिक शोध भी होने चाहिए। यस, मतलब स्पिरिचुअल रिसर्च। आज लेखनी में था गुरुदेव की लेखनी में, तो अपन उसका क्या मतलब समझेंगे आध्यात्मिक शोध का? हम लोग भौतिक शोध, चलिए कोई भी गुरु भाई है गुरु बहन इस विषय पर अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। भौतिक स्तर पर भौतिक विज्ञान तो शोध करता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक नया सब्जेक्ट है आध्यात्मिक शोध, जिस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पहले तो भौतिक विज्ञान तो ईश्वर को पूरा पूर्णतः नकार देता है, तो उस चीज पर विश्वास ही नहीं करता है। लेकिन हम लोग जब कहीं हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ सोल बोल लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ माइंड बोल लीजिए, या संसार की असारता को जब हम लोग देखते हैं, देखने के बाद हम लोग को रियलाइज होता है कि चलो ये सब चीज जब स्वप्न है तो इसके भीतर कोई एक तार होना चाहिए जो सब समय हो। ऐसे जिस तार तत्व को खोजने के लिए हम लोगों को शोध करने की जरूरत है, माने आध्यात्मिक, उसी को हम लोग आध्यात्मिक शोध बोलेंगे। वो आध्यात्मिक शोध हम लोग कैसे कर पाएंगे वही तो भीतर का जगत है, हम लोगों को भीतर ही जाना पड़ेगा। भीतर जाने के लिए केवल और केवल जो शास्त्र मिलकर लिखा है उसको हम लोग जितनी बार पढ़ लें, लेकिन संभव नहीं हो पाता है भीतर जाने का। और इसके पहले भी जितनी व्यवस्थाएं थी उसमें से व्यवस्थाएं हैं और थी, तो उसके द्वारा भी भीतर जाना बहुत कठिन था। अभी अभी तो हम लोग गुरुदेव हम लोगों को मिलने के बाद हम लोग को समझ में आया है कि आध्यात्मिक जगत भी है, उसका कंक्रीट रियलाइजेशन हुआ है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आध्यात्मिक शोध को भी हम लोगों को जगत के सामने लेके आना है। आध्यात्मिक जगत भी है,
इस पर हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। पंकज जी, गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं? गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई, आध्यात्मिक शोध का मतलब जो मुझे लगता है कि गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि मैं दुनिया के विश्व भर के वैज्ञानिकों को आमंत्रित करता हूं कि एक तस्वीर के ध्यान से इस तरह के चमत्कारिक परिणाम क्यों आ रहे, इस पे आके शोध करें। शोध का मतलब रिसर्च जो भी है। तो ये बेसिकली वर्ड उन लोगों के लिए है ज्यादा सूटेबल है जो अध्यात्मिक ज्ञान को ज्यादा समझते नहीं है, जानते नहीं है। वो लोग आके इसके जानने का प्रयास करें और डिस्कवर करने का मतलब इसमें अपना जो भी है अपना समय दें कि ये क्यों हो रहा है। जब समय देंगे तो जैसे भौतिक विज्ञान को प्रूव करने के लिए हमें टेस्ट ट्यूब में उसके रिजल्ट प्रूव करने पड़ते हैं, उसी तरह उनको ध्यान करना ही पड़ेगा। उनको अध्यात्म का मतलब ही अंदर जाना है तो उनको अंदर जाना ही पड़ेगा, तो वो चेतन हो जाएंगे। तो एक तरह से ये यहाँ पे इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि जैसे भौतिक विज्ञान के को इतना महान और इतना बड़ा माना जा रहा है, जैसे आज गुरुदेव ने देखने में कहा कि जो जो उन अंधविश्वासों को नहीं माना और जिन लोगों ने विज्ञान को अपना आधार बनाया, जिन देशों ने, वो आज बहुत उन्नति पे हैं और वो विज्ञान को बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन अध्यात्म विज्ञान भी बहुत मतलब इससे भी आगे की चीज है। बस बात ये है कि हमारे जो पुराने धर्माचार्य थे वो इसको प्रूव नहीं कर पाए और इसको पेट का साधन बना लिया, पेट भरने का, तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। अन्यथा हमारे जो शास्त्रों में या जो भी चीजें हैं वो मतलब उन सब चीजों में ये भौतिक विज्ञान के बहुत आगे की चीजें हैं और ये एक मतलब भौतिक विज्ञान से बहुत आगे का विज्ञान है। यदि आप भौतिक विज्ञान को देखकर इतना आश्चर्य कर रहे हो तो आप आध्यात्मिक विज्ञान पे आओ और उसे लैबोरेटरी में टेस्ट करो, उसको अपने शरीर की मतलब अंतःकरण में उसको जांचो, तब आप कितने ज्यादा आश्चर्यचकित होगे इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए गुरुदेव वैज्ञानिकों को और सबको आमंत्रित भी करते हैं, स्पीच में कई जगह बोला है, मेरे ख्याल से इसका अर्थ यही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज जी, गुरु भाई ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। शांति जी, गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, एक गुरुदेव ये सही कह रहे हैं कि भी इनको भौतिक विज्ञानों को आमंत्रित करते हैं तो जो भौतिक विज्ञान ने रिसर्च की है उसके साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त है, जैसे पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है, समुद्र में जीव जंतु। तो क्या आपको लगता है कि गुरुदेव की साधना से वो जो साइड इफेक्ट कम किए जा सकते हैं या खत्म हो सकते हैं, कोई ऐसी रिसर्च भी हो सकती हो? 100% एक्चुअली मैंने हम लोग जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए अगर ध्यान से देखें, अगर मैं अपना बात कर लूं, अगर मेरा जो यौगिक क्रिया वगैरह होती है, यौगिक क्रिया आप मैंने यही क्रिया मैंने आप कुछ नहीं कर रहे हैं आपकी इच्छा के विरुद्ध, जैसे कि मैंने यहाँ पर जालंधर बंद लगता है तो जस्ट ये यहाँ पर आके टपक जाती है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक प्राणायाम वगैरह शुरू होती है। यू आर नॉट द डूअर, मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक भीतर से वो हो रहा है। योगी क्रिया ऑटोमेटिक होना ही ये सबसे बड़ा चमत्कार है। फिर आपकी जो बंद लगता है, मैंने गुरुदेव बोलते हैं नाभी जाके चिपक जाती है, पीरियड की हड्डी में नाभी ऑटोमेटिक जाके चिपक जाती है, माने अद्भुत, माने आपके शरीर में भीतर में जो यौगिक क्रिया जो हो रही है ऑटोमेटिक हो रही है, आपकी इच्छा के बिना कोई दिव्य शक्ति संचालन कर रही है। इस चीज को अगर कोई वैज्ञानिक आके फर्स्ट टाइम जुड़कर, जितना भी उच्च कोटि का वैज्ञानिक हो, जितना भी हाई फाई वैज्ञानिक हो, अगर गुरुदेव के प्रति समर्पण करके 15 मिनट का ध्यान कर ले और ऑटोमेटिक योग हो जाए, तो ऑटोमेटिक उसको मैंने एहसास हो रहा कि नहीं चलो कोई दूसरा चीज भी है, उसका भी शोध हम लोगों को जरूरत है। लेकिन हमारे जो पूर्ववर्ती जो धर्माचार्य हैं, जो धार्मिक प्रथाएं चली हुई है, जो केवल उसमें उसका कुछ भी रोल नहीं था, चलिए पंकज जी गुरु भाई कुछ बोलना चाहते, जय गुरुदेव गुरु भाई, तो उनके कारणों से मैंने एक दूरी हो गई है। अदरवाइज ये यौगिक क्रिया ही प्रमाण देती है
कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, शक्ति ही कर रही है, दूसरी एक अलग शक्ति हमारे शरीर के भीतर है। जय गुरुदेव। पंकज जी, गुरु भाई, और इसी चमत्कार पर शोध होना चाहते पहले जरूरी। जय गुरु। गुरु बहन का प्रश्न है थोड़ा, मतलब हालांकि हमारे सेशन से कम रिलेटेड है, लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जो आज पर्यावरण को जो हानि हो रही है विज्ञान की तरक्की से, जो उनकी शॉर्ट टर्म सोच थी जब आविष्कार किए गए, तो उनकी शॉर्ट टर्म सोच थी कि ये चमत्कार हो जाएगा, इसमें इतना हमें लाभ मिलेगा और हम तो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन आगे जाके वो प्रकृति के खिलाफ होने लग गई चीजें, तो वो एक दोनों में परस्पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, विज्ञान का और प्रकृति का। लेकिन हमारी जो दर्शन है इसमें हम प्रकृति के विरोध में नहीं चल रहे हैं, हम प्रकृति को साथ लेके चलते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि सबसे पहले शब्द था, फिर प्रकाश पैदा हुआ, प्रकाश थी माया जो प्रकृति है, और शब्द ब्रह्म जो मतलब जिसकी हम आराधना करते हैं। तो माँ भगवती जिसको मातृशक्ति भी है और जिसका हम नाम जप कर रहे हैं, उसको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। तो इसमें, इस आराधना में प्रकृति के खिलाफ कुछ भी नहीं होता है, अपितु प्रकृति ही हमें उस परम तत्व के पाने के में सहायक बनती है। तो पहली बात तो ये, और जो ऑलरेडी विनाशक चीजें हो चुकी हैं, जो भौतिक विज्ञान ने पहले से कुछ मतलब प्रकृति के विरोध में या पर्यावरण के विरोध में जो उन्होंने कर रखा है, क्या उसको ये सही कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये मनुष्य का आंतरिक सोच पे परिवर्तन लाएगा। सिद्ध योग में गुरुदेव कहते हैं ना, विश्व शांति सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से संभव है, और कोई रास्ता नहीं है इसका। तो विश्व शांति के रास्ते में ही सारी चीजें स्वतः आने लगेंगी अपने आप, जब हमें पता लगेगा कि इस चीज के उपयोग से प्रकृति को नुकसान हो रहा है या और चीजें हमें पता लगेगी, तो धीरे धीरे उनमें और आविष्कार होंगे। गुरुदेव ने स्पीच में एक बात जगह ये भी कहा है कि जैसे वैज्ञानिक अगर ध्यान करने लग जाए और वो किसी समस्या में फंसे हुए हैं, ध्यान के दौरान उन्हें दिख जाएगा कि जो आविष्कार वो करना चाह रहे हैं उसको कैसे और अच्छा करना है, या जिसमें जहां वो अटके पड़े हैं उसका सॉल्यूशन उनको ध्यान के दौरान स्वतः दिख जाएगा। तो प्रकृति स्वयं रास्ता प्रशस्त करेगी, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, परंतु आगे नहीं होगा और वापस प्रकृति का संतुलन शुरू होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, बाकी तो गुरुदेव जानते हैं इसके बारे में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, और कोई अपनी कुछ बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। अदरवाइज तापस जी, गुरु भाई, तापस जी, तापस कुमार दत्ता जी, गुरु भाई, गुरु भाई आपकी साधना कैसे चल रही है, इस पर अगर कुछ दो तीन लाइन अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए तापस जी, गुरु भाई, मेरी आवाज नहीं जा रही है आई थिंक। चलिए, मैं आज की लेखनी में गुरुदेव ने जो कहा था कि जय गुरुदेव, तापस जी, गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई, गुरुदेव की कृपा से साधना अच्छा चल रहा है। मैं एक बात सोच रहा था, जो हम जब किसी नया आदमी को जो बोलते हैं जो गुरुजी का ध्यान करो, तो उसमें गुरुजी क्या बोलते हैं, जिसको संजीवनी मंत्र नहीं मिला तो बिफोर इनिशिएशन
दीक्षा लेने के पहले वो राम राम जप कर सकता है, गुरु गुरु जप कर सकता है, ओम कर सकता है एटसेट्रा, तो उसमें भी परिवर्तन आता है। तो हम लोग डीपली सोचे, हम लोग को डीपली सोचना चाहिए कि गुरुदेव के अंदर कैसा पावर था, और वो गुरुदेव ओनली एंड वन सुप्रीम पावर बट ईश्वर बोलिए भगवान जो बोलिए ये है गुरुदेव ईश्वर है, तो ये होता है। ये हम लोगों को डीपली सोचना चाहिए। जे इनिशिएशन के पहले गुरुदेव का एक फोटो और दादा गुरुदेव का एक फोटो और इस बारे में एक नया आदमी को बोलना चाहिए, और बोलने का बात उसको जीसस अल्लाह वही गुरु राम ओम शिव कृष्ण जो वो ठीक समझे वो बोल सकते हैं, जप कर सकते हैं। और उस जॉब में भी योगी क्रिया हो रहा है, मैं देख रहा हूं वो जो राम राम जप कर रहा है उसमें योगी क्रिया हो रहा है और वो पेशेंट ठीक हो रहा है। तो मैजिक है ना, गुरुदेव ने बोला ना व्हाइट मैजिक, ये तो व्हाइट मैजिक है। तो हम लोग साइंस का स्टूडेंट है तो हमको सोचना चाहिए जे गुरुदेव के गुरुदेव सुप्रीम थे, सुप्रीम लॉर्ड थे, और गुरुदेव का जो डिविनिटी है वो देखिए गुरुदेव का लिखनी में गुरुदेव क्या बोल रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा और हमारा मेरा गुरुदेव का अहेतुक कृपा से ये हो गया। तो गुरुदेव का डिविनिटी या देखिए गुरुदेव जो सुप्रीम लॉर्ड है और जो हमारे अंदर बैठ के सब कर रहा है, सब दूर कर रहा है, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो सुप्रीम लॉर्ड है, वो गॉड है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, है ना, यही बोलना चाह रहा हूं। और गुरुदेव की कृपा बिना कुछ नहीं संभव है, हमारे इच्छा का अनुसार कुछ नहीं होता है, गुरुदेव का जो इच्छा होता है वही सर्वोपरि है। तो गुरु कृपा बिना कुछ संभव नहीं है, ये मैंने समझा, इसके बाहर कुछ नहीं है। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई की बात कर रहे हैं। गुरु श्री पंकज गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, गुरु भाई का स्वागत है, जय गुरुदेव। गुरुदेव स्वयं भगवान है, तो गुरुदेव की सामने से आने से, जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए। कुछ खास नहीं कहना था मुझे, आप शायद सेशन का समय भी हो रहा है तो आप सेशन को आगे बढ़ाइए। चलिए टिंगू जी गुरु भाई चले आए हैं, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।